हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये जो मई का मंथ है ये कैसा जाएगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ मंथली रीडिंग एंड ये है हमारी अक्वेरियस के लिए, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। सो हम यहां पे एनर्जीज देखने वाले हैं, क्या थीम रहने वाला है वो देखने वाले हैं, लव लाइफ को लेकर एंड यूनिवर्स की साइड से क्या गाइडेंस होने वाली है, सो वी विल बी चेकिंग दैट। सो आप अपने सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो आइए देखते हैं कि क्या होने वाला है एक्वेरियस के लिए इन द मंथ ऑफ मे। मोमेंट टू मोमेंट चेंज, लवर्स, करेज एंड द बर्डन। पहली चीज़ तो ये कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेके आओगे, ठीक है। आपका परसेप्शन आपकी लव लाइफ को लेके चेंज होगा, आपकी थिंकिंग पैटर्न, आपके थॉट्स, आपके बिलीव सिस्टम्स, बिहेवियर, आप अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करते हो, आपकी क्या सोच रहती है आपकी रिलेशनशिप्स में, ये चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं। एंड ये चेंज आने में थोड़ा करेज लगेगा एंड आप करेज लगाते हुए भी दिख रहे हो। थोड़ा सा बर्डन भी फील होगा, बर्डन फील होगा सोसाइटी का कि सोसाइटी क्या सोचती है, क्या सोचेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इन चीज़ों को लेके काफ़ी बर्डन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके थोड़े से इश्यूज आएंगे, लेकिन जितना आप स्लो स्टेप्स लोगे, धीरे धीरे जाओगे, बेबी स्टेप्स लोगे, मोमेंट टू मोमेंट आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ आपको एज अ पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकती है। ओके, लेट्स सी चेंज का क्या कार्ड है ये। ये चेंज का कार्ड क्या सिग्निफाई करता है। 10 of Cups डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में, 6 of Cups अपने आप कह रहा है बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपकी और आपके पार्टनर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नए पर्सन से मिलने वाले हैं, ओके, एंड इसी पर्सन के साथ आपकी शादी भी होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। लेट्स सी करेज वाली चीज़ क्या है यहाँ पे। ओके, तो करेज आपको थोड़ा सा लग सकता है कमिटमेंट में। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है थोड़े से कमिटमेंट इश्यूज हैं, ओके। तो जब कमिटमेंट होती है थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, चाहे आपकी शादी हो या ना हो। एंड हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव ऐसा रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इशू है, आपको डर लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में, निभाने में। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वॉन्डरिंग वाली एनर्जी आपकी, आप एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते हो, ये चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप करेज लगाओगे, जैसे आप चीज़ों को समझोगे, फाइनली आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा आपका कार्मिक लेसन खत्म होगा, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल साइकिल एंड होगी एंड फाइनली यू आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बाद हो सकता है आप अब्रॉड जाके भी सेटल हो सकते हो। आप इससे कुछ लोग कहीं अब्रॉड जाके काम करना, बहुत ज़्यादा घूमना अपने पार्टनर के साथ, वो एनर्जी भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है यहाँ पे। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जाओ, ओके, कोई कोर्स करने के लिए बाहर जा सकते हो। एकदम से कोई डिसीजन बन सकता है एंड काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा, काफ़ी अच्छी चॉइस होगी अगर आप कुछ ऐसा करते हो। क्रिएटिव फील्ड में जो भी लोग हैं, अगर आप कुछ ऐसा करते हो, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ मे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, रोमांटिक फीलिंग्स, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो लाइक आई सेड कि आप अपने बहुत ही डिवाइन कनेक्शन होने वाला है, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। हो सकता है यू विल एंड अप गेटिंग मैरिड टू योर सोलमेट। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर ना रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस होने वाली हैं अपने पार्टनर के साथ। आपके दोस्त आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करेंगे इस चीज़ के अंदर। पास्ट से निकलना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इस मंथ के अंदर। तो अगर आपको आगे बढ़ना है अपनी लव लाइफ के अंदर, तो पास्ट से निकलना आपके लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा कोशिश करना है कि आप अपनी कम्युनिकेशंस के साथ थोड़े और ऑनेस्ट हो सको, थोड़े और ओपन हो सको, बिकॉज इट्स लाइक कि मुझे एक ऐसी वाइब आ रही है, एक ऐसी सेंस ऑफ फीलिंग है जहाँ पे आपके मन में कुछ और होता है लेकिन आप बोल कुछ और देते हो और सामने वाला आपको मिसअंडरस्टैंड कर देता है, ओके, एंड देन यू एंड अप ब्रेकिंग योर हार्ट। तो वो चीज़ नहीं करनी है। अपनी वल्नरेबल साइड को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनानी है, अपनी सबसे बड़ी पावर बनानी है, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है मई के लिए।
ओके, सो लाइक आई सेड कि आपको काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी, काफ़ी चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ में, और ये आएंगे जैसे जैसे इमोशनली आप और ओपन होते हो, जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र और ओपन होता है, जैसे जैसे आप इमोशंस को लेके ओपन होते हो. इस टाइम पे आपने अपने आपको ना एक बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ना आप अपने आप को अलाउ ही नहीं करते हो कि आप प्यार में पढ़ भी सको, आप अलाउ ही नहीं करते हो कि, और एक कहीं ना कहीं एक परफेक्शनिज्म वाली भी चीज़ है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, बट कुछ भी परफेक्ट नहीं होता. नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ जस्ट इम्परफेक्टली परफेक्ट, राइट. तो उस चीज़ को लेके आपको यूनिवर्स डेफिनेटली गाइडेंस देना चाहते हैं कि चूज़ वाइजली अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है सामने वाले को. ये भी एक कला है, ये भी एक स्किल है, ठीक है. अपने आप को ना दबाना है, ना ऐसा करना है कि सामने वाला हर्ट हो. जब आप एक ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन रखते हो ग्रेस के साथ, डिग्निटी के साथ, तो कुछ गलत नहीं होता. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले इससे. बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें.